नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। यूपी और बिहार यहां है 120 सीटें और सारे ओपिनियन पोल बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इन दो राज्यों में 120 में से कम 115 सीटें तो जीत रहे हैं। मतलब 95% का स्ट्राइक रेट चल रहा है और चुनाव शुरू होने के 20 दिन पहले अचानक विरोधियों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और उस मुद्दे का नाम है मुख्तार अंसारी। बांदा जेल से खबर आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, उसे दिल का दौरा पड़ा और इसके बाद पूरी प्रो मुस्लिम वोट बैंक वाली लॉबी एक्टिवेट हो गई। लखनऊ से अखिलेश, पटना से तेजस्वी, हैदराबाद से ओवैसी, दिल्ली से लेफ्ट वाले सबने एक एक करके मुख्तार मुख्तार कहना शुरू कर दिया। मोदी विरोधी मोर्चा की आप पूरी टाइमलाइन चेक करेंगे तो एक ही जैसे डायलॉग, एक ही जैसी भाषा, एक ही जैसा नैरेटिव हर जगह पढ़ने को मिलेगा। और आसान शब्दों में कहें तो मुख्तार के नाम पर एंटी मोदी अलायंस ने एक नई पॉलिसी बनाई है, हिंदू वोट का मोह छोड़ो, मुख्तार के नाम पर मुस्लिम वोट जोड़ो। मुस्लिम वोट की कैप्चरिंग के लिए किस तरह की स्क्रिप्टिंग हो रही है, कहां कहां से हो रही है, मुख्तार के नाम को कंट्रोल ऑल्ट सिलेक्ट करके किस तरीके से फिट किया जा रहा है, सब आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल डेथ नहीं, एक साजिश है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घुमाने वाले कौन हैं? मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से नहीं मरा, उसे स्लो पॉइजनिंग से मारा गया, ये एजेंडा चलाने वाले कौन हैं? माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू बहाने वालों का असली मकसद क्या है? क्या मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे छिपकर मुसलमानों को भड़काने वालों का असली मकसद 2024 में मुस्लिम वोट बैंक है? बहुत वेल प्लान्ड तरीके से शुक्रवार को पूरे हिंदुस्तान में ये नाम ट्रेंड कराया गया, हैशटैग मुख्तार अंसारी डेथ पर हजारों सोशल मीडिया पोस्ट घुमाए गए। जन्नत नसीब जैसे शब्दों की आड़ में मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड बनाने की कोशिश हुई। हैशटैग बांदा जेल टॉप ट्रेंड हुआ। हैशटैग जेल प्रशासन की आड़ में योगी के खिलाफ हेट नैरेटिव लिखा गया। और जानते हैं एक माफिया डॉन की मौत पर उसके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ, क्या क्या लिखा गया, कुछ सैंपल देखिए। मसीहा मुख्तार अंसारी, दिलेर मुख्तार अंसारी, शेर मुख्तार अंसारी, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का मुख्तार अंसारी, लोगों के दिलों में बसने वाला मुख्तार अंसारी, लोगों के दिलों पर राज करने वाला मुख्तार अंसारी, इन भारी भरकम शब्दों की बदौलत एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हुई। और यह नैरेटिव उस मुख्तार अंसारी के लिए बिल्ड किया गया जिसे देश की अदालत लोकतंत्र पर दाग कह चुकी है, मुख्तार अंसारी गैंग को दुर्दांत गिरोह बता चुकी है, मुख्तार अंसारी को खूंखार अपराधी बता चुकी है। मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी तो ये भी है कि मुख्तार ने जनता को डराया, मुख्तार ने आतंक का साम्राज्य स्थापित किया। मगर अब ऐसे क्रिमिनल की मौत के बाद उसे डिफेंड करने वालों का, उसे मसीहा बताने वालों का तांता लग गया। समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल, श्री और जी पर अखिलेश की पार्टी का फुल फोकस है। अखिलेश की पार्टी के नेता मुख्तार अंसारी की मौत को कस्टोडियल डेथ बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े दूसरे हैंडल्स मौत को संदिग्ध बताकर आग में घी डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता अपने जमाने में कुख्यात डॉन रहे मुख्तार को लोगों का तारनहार बता रहे हैं। खुद अखिलेश 18 लाइन लिखकर मुख्तार की मौत को मर्डर बता रहे हैं। यूपी में सरकारी अराजकता, कानून व्यवस्था का शून्यकाल, इस तरह की स्क्रिप्ट घुमा रहे हैं। मुख्तार की मौत को साजिश बताकर, एक फॉल्स नैरेटिव बनाकर 24 में मुसलमानों का वोट बटोरने वाली पटकथा पर सबको काम पर लगा दिया गया है। ये सब प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें पहले सोशल मीडिया पर माहौल बनाने के लिए सबको एक्टिवेट किया गया,
योगी की पुलिस मर्डर करती है, विरोधियों को निपटाती है, समाजवादी पार्टी की अलग अलग टाइमलाइन पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। और इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में अखिलेश ने अपने पार्टी के नेताओं को कैमरे पर भेजना शुरू कर दिया। पहले शिवपाल यादव आए, फिर राम गोपाल यादव आए, सबने मुख्तार अंसारी के गुण गाए और योगी पर सवाल उठाए। देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफा 44 लगा दी गई, फ्लैग मार्च हो रहा है पुलिस का, पीएसी का, सीआरपी का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पे कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर भी मर जाए। सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। भाई सामान्य डेथ होती तो कहाँ आंदोलन होता, कहाँ कोई सड़क में निकलता है, लेकिन उनको डर है कहीं ऐसा ना हो, पहले से चल रहा था। ये स्क्रिप्ट सिर्फ अखिलेश ने नहीं लिखी, यूपी से लेकर बिहार और हैदराबाद तक सारे किरदार एक साथ मुख्तार की मौत को मर्डर साबित करने पर जुट गए। और ये वो चेहरे हैं, इसमें इंडी अलायंस की वो सारी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के नाम पर ही वोट बटोरती हैं और अपनी सियासी रोटियां सेंकती हैं। मसलन यूपी कांग्रेस का पोस्ट देखिए, इनकी टाइमलाइन पर मुख्तार की मुस्कुराती हुई फोटो के साथ शोक संदेश चिपकाया गया। कांग्रेस की एक नेत्री ने मुख्तार की मौत को कस्टोडियल किलिंग से जोड़ दिया। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को मुख्तार अंसारी में क्रिमिनल नहीं दिखा, 5 बार का विधायक दिखा, उन्होंने भी अफसोस जताया। कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिलाने वाले पप्पू यादव तो एक स्टेप आगे चले गए, वो मुख्तार अंसारी के लिए स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वाली स्क्रिप्ट ले आए। अब इनके दूसरे पोस्ट के शब्दों पर गौर कीजिए, यहां भी मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए जी पर खास फोकस है और उसकी मौत में ये सांस्थानिक हत्या वाला एजेंडा फिट करके बैठ चुके हैं, खुद ही जज बनकर फैसला सुना चुके हैं। चूंकि अखिलेश ने अपने नेताओं को काम पर लगाया, कैमरे पर भेजा, तो कांग्रेस कैसे पीछे रहती? बंगाल से अधीर रंजन चौधरी को मुख्तार की मौत को मर्डर बताने के लिए भेजा गया। यूपी कांग्रेस के छोटे छोटे प्रवक्ताओं को कैमरे पर आने के लिए कहा गया। बिहार से पप्पू यादव ने भी आकर मोर्चा खोल दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं, जिसको लगे उनको गोली से भून दिया जाते हैं और एक धब्बा लगाए जाते हैं। कोई क्रिमिनल होते हैं, कोई भागने की कोशिश किए, वगैरह वगैरह बहाना बनाते हुए उत्तर प्रदेश में एक दहशत की महल पैदा होते हैं। हम सब जानते, जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। सजा देने का काम किसी और को नहीं, और मुख्तार अंसारी ने तो अपने आप को धीमा जहर दिए जाने की शिकायत प्रशासन से भी करी थी, कोर्ट से भी करी थी, और उसके बाद वो अस्पताल में भी भर्ती हुआ था और कल उसकी मृत्यु हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो ताकि कानून पर, संविधान पर, जेल मैनुअल पर सबको विश्वास रह सके। ये उत्तर प्रदेश का राम राज्य नहीं, जंगल राज्य है। चूंकि पूर्णिया से पप्पू यादव ने मुख्तार को महान बताने वाली लाइन पकड़ी, तो 40% मुसलमानों को साधने के लिए तेजस्वी कैसे पीछे रहते? तेजस्वी ने भी 6 लाइन की पोस्ट शेयर कर दी। तेजस्वी के लिए खूंखार मुख्तार अंसारी श्री मुख्तार अंसारी हो गए। और आखिरी लाइन में उन्होंने वही मुस्लिम वोट पाने वाली योगी विरोधी लाइन फिट कर दी। देख लीजिए तेजस्वी के समर्थकों ने क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की, कैसी हेट स्क्रिप्ट लिखी और फिर कैमरे पर क्या थ्योरी दी। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए, अराजकता होती है। मायावती ने भी सेम टू सेम अखिलेश वाली ही लाइन लेंथ पकड़ी।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी हत्या की साजिश वाली थ्योरी दी, न्याय का गला घोंट दिया, हत्याओं का फैशन चल पड़ा, इस तरह के शब्दों से एक अलग ही ट्विस्ट देने की कोशिश की। शुक्रवार को लेफ्ट पार्टियों के कैंडिडेट जिस वक्त अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उस वक्त उनकी भी टॉप लीडरशिप मुख्तार अंसारी वाला टेप ही ऑन करके बैठी थी, मुख्तार की मौत में जहर वाला एंगल ही कॉइन कर रही थी। इनकी मौत कस्टडी में हुई है, जेल के कस्टडी में हुई है, और मौत के पहले इन्होंने कई बार ये सवाल उठाया कि उनको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी दाखिल थे। जब मुस्लिम वोट पाने के लिए मुख्तार मुख्तार करने वाले सारे किरदार एक्टिव हो गए, तो ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। शुक्रवार को ओवैसी दो बार कैमरे पर दिखे, पहली तकरीर में तो कुछ नहीं बोले, मगर बाहर निकलते ही, मौका मिलते ही सबसे पहली बात मुख्तार अंसारी की मौत पर ही कही। ओवैसी ने इसकी भूमिका सोशल मीडिया पर गुरुवार रात ही बना दी थी और अपनी पोस्ट में सीधे सीधे जहर वाला एंगल डालकर एंटी योगी बोली बोली थी। बाहर आकर भाईजान ने वही बोली रिपीट कर दी। ये दूसरा ऐसा वाक्य हम देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। क्या पॉलिटिक्स हो रही है? सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रिहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? एक आदमी की तो मौत हो गई ना, इसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दिए, वो जान चले गई उनकी, इसमें पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। सवाल है कि एक इकोसिस्टम जो मुख्तार अंसारी को सुपरमैन बता रहा है, काफिले के साथ चलते थे मुख्तार, इतने बड़े थे मुख्तार, इस तरह के शब्दों की आड़ में छिपकर एक दूसरा ही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वो मुख्तार का असली सच क्यों छिपा रहा है? मुख्तार अंसारी को जानना है तो 2005 का मऊ दंगा याद कीजिए। इसी दंगे से मुख्तार निकला था खुली जिप्सी में, हथियार बंद गिरोह के साथ पिस्तौल लहराते हुए। मुख्तार अंसारी की यह तस्वीर उस वक्त डर और दहशत की गवाही दे रही थी। 1995 में जेल से छूटने के बाद मुख्तार ने मऊ में अपने गिरोह का साम्राज्य स्थापित किया, मूछों पर ताव देकर, पीछे ऑटोमेटिक वेपन रखकर, कुछ इस तरीके से उसने भय का वातावरण पैदा किया था। और बाद में 2005 के मऊ दंगे में मुख्तार की दबंगई का ये रूप दंगों की शक्ल में देश ने देखा। 19 साल पहले उस मऊ दंगे को देश और खासकर यूपी के लोग आज तक नहीं भूले हैं। योगी खुद भी ये बात सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि आज भी लोग मऊ दंगा नहीं भूले। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दबंगई और गुंडागर्दी के लिए खुली छूट इसलिए मिली हुई थी क्योंकि तब उसे फुल पॉलिटिकल बैकिंग थी। मेरे समय में पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि जब माफिया के विरुद्ध एक सघन अभियान चला था, और मुझे याद है ज़्यादातर जो माफिया थे वो या तो जेल के अंदर थे, पर दो माफिया पे मेरी पकड़ में नहीं आए जो, और कैसे बच गए वो भी मैं बता दूं। एक तो मुख्तार अंसारी थे, वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, वो कहाँ है अता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे बाद में हमारे बाद में वो मूछ पे ताव दे के घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस, कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी, पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी मेरे कार्यकाल में। तो ये फिर हम जब हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसके बाद समाजवादी बसपा वगैरह के पार्टी का जब टाइम आया, तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक जो इनका प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। और ये तो फिर बाद में योगी जी जब आए हैं तब कानून का शिकंजा इन पर कसा गया है और जो पुराने केसेस थे उनमें इनका प्रोसिक्यूशन हुआ। 1996 के लोकसभा चुनाव में
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कल्पनाथ राय के खिलाफ घोसी विधानसभा सीट से वो चुनाव मैदान में कूदा। इस चुनाव में उसे बहुत कम मतों से हार मिली, लेकिन उसे करीब 30% वोट मिले। इसके बाद मुख्तार अंसारी मऊ में जम गया। अपने समुदाय की बदौलत उसने मऊ में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया और इसी दबदबे की बदौलत वो मऊ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक भी रहा। 1996 में बीएसपी के टिकट पर, 2002 और 2007 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। इसके बाद वो 2012 में भी जीता, 2017 में भी मऊ से जीता। इसी दौरान 2009 में मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन हार गया। अपनी दबंगई की बदौलत एक विधायक के तौर पर वो नॉन स्टॉप जीतता रहा और जिस जिस ने भी उसकी दबंगई के खिलाफ आवाज उठाई वो उसे अपने रास्ते से हटाता चला गया। कौन भूल सकता है जब मुख्तार अंसारी गैंग पर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा था। 500 राउंड गोलियों से उन्हें भून दिया गया था और पूरा पूर्वांचल थर्रा उठा था। और आज 19 साल बाद कृष्णानंद राय का परिवार कह रहा है देर से ही सही उन्हें इंसाफ मिल गया। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा के आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है। जो लोग आज मुख्तार को उसकी मौत के बाद हीरो बना रहे हैं उन लोगों को आज ये तस्वीर भी याद कर लेनी चाहिए। जनवरी 2004 में जब पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की थी तो उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, उन्हें घर से घसीट कर ले जाया गया। तब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। ओ, मैंने फिर जब इनके फोन लेके सुनना शुरू किया तो मुख्तार का एक फोन पे एक भगोड़े सैनिक से बात हो रही थी कि एक लाइट मशीन गन जो राष्ट्रीय राइफल्स का लेके भागा हुआ था उसको ये खरीदना चाहता था और 1 करोड़ में फाइनली वो सौदा तय हो गया और डिलीवरी का समय तय हो गया। और मुख्तार अपने लोगों से जब बात करता था तो कहता था कि किसी भी कीमत पे लाइट मशीन गन हमको मिलना चाहिए, विपक्षी के पास ना जाए, यानी दूसरे गैंग के पास ना जाना है। और जब सरकार के शासन प्रशासन के नोटिस में सब कुछ लाया गया तो उन लोगों ने कहा कि शैलेंद्र इसको मुख्तार के पास जाने से पहले ही रिकवर करो वरना कोई बड़ी वारदात हो जाएगी, क्योंकि लाइट मशीन गन चलना मतलब आप समझ सकते हैं सेकेंडों में सैकड़ों गोलियाँ चलती हैं। तो खैर हम लोगों ने, हमारी टीम ने जान पे खेल के 25 जनवरी के आसपास 2004 में ये लाइट मशीन गन रिकवर कर ली। और उस समय पोटा कानून एग्जिस्ट करता था तो स्वाभाविक है पोटा कानून भी लगा, तो इसने दबाव बनाया मुलायम सिंह पे। और मुलायम सिंह की उस समय अल्पमत की सरकार थी, 2003 में मायावती जी को तोड़ के उनकी सरकार बनी थी और मुख्तार जैसे लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, विधायक को मैनेज करते थे, सपोर्ट करते थे। तो इसने उन पे दबाव बनाया कि इस केस को रफा दफा किया जाए और एक दबाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार यही बनाया गया कि आप किससे पंगा ले रहे हैं, मुख्तार जैसे से जो एडिशनल एसपी के ऊपर गोली चला देता है, जेलर को मरवा देता है, आप उससे पंगा ले रहे हैं, ठीक नहीं है और आप पीछे हट जाइए। वो डरा हुआ तो बहुत था क्योंकि उसने जो मजे लिए थे अब वो सरकार का सपोर्ट तो था नहीं, न पुलिस प्रशासन का सपोर्ट था। किस तरह से व्हील चेयर पर आया था, अब उसकी पहले क्या शक्ल थी, कैसी हो गई थी, तो हर समय डरता था वो कि मेरा जो साम्राज्य कायम किया था गैंगस्टर एक्ट के तहत वो सब कुर्क किया जा रहा है। तो डर तो खौफ अब इसके अंदर बैठ गया था, जो लोगों में इसने बैठाया था वापस इसमें बैठ गया। लेकिन कर्म आपके सामने आते हैं, जो डर आपने साम्राज्य का कायम किया था, लोगों को डराया था, वही डर अब आपको ले भी था और उसी का पड़ती हुई कि हार्ट अटैक से इसकी डेथ हो गई। तो कहीं जो इनका परिवार या विपक्षी पार्टियां इस लगा रही आरोप कि धीमा जहर दिया गया उसमें कोई तथ्य नहीं है। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी की जिस पॉलिटिकल बैकिंग की बात की उसे आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं, जब दोनों अगल बगल सीट शेयर किया करते थे और मुख्तार कैमरे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तारीफ में कसीदे पढ़ा करता था। मुख्तार अंसारी हमारे साथ हैं, आपसे पूछते हैं, शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि जो पहले भी विलय हुआ था उसमें आप नहीं थे। पहले भी जो हुआ था उसमें हम नहीं थे, ना मेरा नाम था। और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, कौमी एकता दल का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते और कौमी एकता दल पार्टी का संरक्षक होने के नाते, कि हमारी पार्टी का
विलय नहीं होगा, किसी भी सेकुलर पार्टी से समझौता हो सकता है मुद्दों पर। और हम भी चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए सेकुलर पार्टियों से बातचीत हो और जो वोटों का ध्रुवीकरण है, जो वोटों का बंटवारा हो, वो एक जगह वोट, एक सोच के लोगों का एक जगह वोट गिरे, ये मेरी सोच है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी, ये जरूरी नहीं कि ये लागू हो पाए, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि सेकुलर वोट बटे ना। मुझे कुछ मीडिया के लोगों ने बदनाम कर रखा है और मेरी लोकप्रियता का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मैं लगातार बहुत सालों से जेल में हूं, फिर भी हमारी जनता हमको वोट देती है। हम धर्म और जात से ऊपर उठकर गरीब समाज की मदद करते हैं, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान। बात योगी आदित्यनाथ की, योगी आजकल एक ही बात बोलते हैं, हिंदुओं को उसमें भी यादवों के मोहल्ले में जाते हैं और वहां पर भी एक ही बात बोलते हैं, एक बटन से तय करते हैं आपको कैसा नेता चाहिए, कैसा नतीजा चाहिए, मुख्तार मुक्त या मुख्तार युक्त, मुख्तार वाला यूपी या बिना मुख्तार वाला यूपी। आजकल मुख्तार पर रोने वाले बहुत नेता आ गए हैं, लेकिन मुख्तार पर सच बोलने वालों को सोचना चाहिए कि मरने से पहले मुख्तार क्या कहकर गया। देखिए, गाजीपुर 26, मऊ 10, वाराणसी 10, लखनऊ 9, आजमगढ़ 2। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल 65 पर जाकर खत्म होती है। अगर मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव की सरकारें यूपी में नहीं होती तो पता नहीं मुखरात के अपराध का स्कोर कितना होता और खुद मुख्तार कहां होता। अपराध भी ऐसे वैसे नहीं, किडनैपिंग, मर्डर, फिरौती, अवैध हथियार रखना, दंगे भड़काना। मुख्तार अंसारी के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कहते हैं देर है मगर अंधेर नहीं। 2017 में समय का चक्का ऐसा घूमा कि अखिलेश यादव चुनाव हार गए और यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। मुख्तार को सजा दिलाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तब कहीं जाकर उसे पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया गया। मुख्तार 18 महीने से उसी बांदा जेल में बंद था और वहीं डॉन की कहानी खत्म हो गई। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह आपको पता लगी कि ये व्यक्ति जेल की, पंजाब की जेल में इतना आराम से रह रहा था मुख्तार अंसारी, और यहां आने के बाद फिर जो सलूक होना था वो हुआ। देखिए, ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के पेशेवर माफिया और अपराधी किसी न किसी रूप में सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर लिया करते थे। मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध 1978 में किया था और 1978 से लेकर के लगातार अपराध करता रहा। आज भी उसमें उस पर 54 से लेकर 58 मामले अलग 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 थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हैं। पहली बार 44 वर्ष के बाद पहली बार उस माफिया को सजा हुई है। आखिर क्या कारण है कि लोग हत्या करें, अपहरण करें, जबरन कब्जा करें और कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता? मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध कब किया था? 1978 में किया था। पहली हत्या 1981 में की थी। कोई मुझे बताएगा कि 1981 और 1978 में हुआ अपराध में क्यों नहीं उसमें कार्रवाई हुई? क्यों नहीं उसके बाद लगातार उस पर शिकंजा कसा गया, वो हत्या पे हत्या करता गया? 2005 में यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मऊ के शाही कटरा मैदान में भरत मिलाप कार्यक्रम था, अचानक दंगे भड़क गए, 17 लोगों की हत्या हो गई, हिंदुओं की दुकानें फूंक दी गईं। दंगे रोकने का काम
पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों का था। लेकिन हुआ क्या, मुख्तार अंसारी खुली जीप पर अपने गुर्गों के साथ ऑटोमेटिक हथियारों के साथ घूम रहा था। मुलायम सिंह को अपनी पुलिस पीएसी पर नहीं मुख्तार पर भरोसा था। वो मुख्तार का कद और खौफ दोनों बढ़ाने का खतरनाक खेल खेल रहे थे ताकि ओटों की फसल काट सकें। लेकिन 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी ने माफिया और नेताओं के नेक्सस पर करारा प्रहार शुरू किया। क्या कारण है कि सरेआम ये लोग दंगा भड़काएं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति अपनी नंगी रिवॉल्वर लेकर के और पिस्टल लेकर के लहराते हुए खुली जीप में जाए और सरकार कर क्या रही थी, क्या कर रही है सरकार? ये काम किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, ये तो फोर्स है उसके लिए। दंगा अगर हो रहा है फोर्स रोके उसको, लेकिन नहीं, उसको पूरी छूट दी जाती है। आप उस तस्वीर की बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी मऊ में जीप के ऊपर बैठ के चल रहे, मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार की स्थिति प्रयागराज में भी थी। अति क्या बात, क्या स्थिति बना के रखी थी? सैकड़ों एकड़ शासन की भूमि को, विकास प्राधिकरण की भूमि को कब्जा करके वो कॉलोनी बसाया जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अपराध पे अपराध किए जा रहे थे, कोई उस यानी कहीं भी कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं। आखिर किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा, और कब तक चलेगी अराजकता? एक व्यक्ति के लिए हम 25 करोड़ आबादी के जीवन को दांव में लगा दे, ये नहीं हो सकता। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण थी, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर इन माफियाओं से हम सख्ती से निपटेंगे नहीं तो 25 करोड़ प्रदेश की जनता के हितों के लिए फिर हम कुछ भी करने में सफल नहीं होंगे, और उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को तो बदलना ही पड़ेगा। प्रदेश में कानून का राज होगा, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, बिना भेदभाव के शासन की योजना जब हर जाति, मत और मजहब के लोगों को मिल रहा है, किसी के पर्व और त्यौहार में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, सबको फ्रीडम है हर प्रकार की, तो फिर अराजकता फैलाने की और दंगा करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। मुलायम और मायावती के राज में मुख्तार का ऐसा जलवा था कि बड़ा से बड़ा पुलिस अफसर उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। मुख्तार जो चाहता था पुलिस वही करती थी। 2004 में मुख्तार ने सेना से चोरी हुई मशीन गन का सौदा 1 करोड़ में किया। मुख्तार अपने दुश्मन कृष्णानंद राय को खत्म करने के लिए मशीन गन खरीद रहा था। एसटीएफ ने मशीन गन जब्त कर ली और मुख्तार पर पोटा लगा दिया। लेकिन 3 घंटे बाद ही मुलायम सरकार ने मुख्तार की मशीन गन पकड़ने वाले एसटीएफ के तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह को हटा दिया, और फिर फर्जी केस में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। 2021 में योगी सरकार बनने के बाद शैलेंद्र सिंह पर लगा फर्जी केस बंद हुआ। तो मैंने फिर जब इनके फोन लेके सुनना शुरू किया तो मुख्तार का एक फोन पे एक भगोड़े सैनिक से बात हो रही थी कि एक लाइट मशीन गन जो राष्ट्रीय राइफल्स का लेके भागा हुआ था उसको ये खरीदना चाहता था, और 1 करोड़ में फाइनली वो सौदा तय हो गया और डिलीवरी का समय तय हो गया। और मुख्तार अपने लोगों से जब बात करता था तो कहता था कि किसी भी कीमत पर लाइट मशीन गन हमको मिलना चाहिए, विपक्षी के पास ना जाए, यानी दूसरे गैंग के पास ना जाना है, क्योंकि लाइट मशीन गन चलना मतलब आप समझ सकते हैं सेकंडों में सैकड़ों गोलियां चलती हैं। तो खैर हम लोगों ने, हमारी टीम ने जान पे खेल के 25 जनवरी के आसपास 2004 में ये लाइट मशीन गन रिकवर कर ली, और उस समय पोटा कानून एग्जिस्ट करता था तो स्वाभाविक है पोटा कानून भी लगा। इसने दबाव बनाया मुलायम सिंह पे, और मुलायम सिंह की उस समय अल्पमत की सरकार थी, 2003 में मायावती जी को तोड़ के उनकी सरकार बनी थी, और मुख्तार जैसे लोग उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, विधायक को मैनेज करते थे, सपोर्ट करते थे, तो इसने उन पर दबाव बनाया कि इस केस को रफा दफा किया जाए। अंत में 15 दिन बाद इस घटना के मैंने 11 फरवरी 2004 को फाइनली रिजाइन किया। 2017 के बाद यूपी की राजनीति बदल गई।
मुख्तार और अतीक समेत एक एक कर तमाम माफिया मिट्टी में मिला दिए गए, लेकिन योगी और मोदी के विरोधी अब भी उसी माफिया परस्त राजनीति पर अटके हुए हैं। अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल यादव मुख्तार की मौत में साजिश का एंगल देख रहे हैं। शिवपाल एक माफिया की करतूतों को स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की आड़ में छुपाना चाहते हैं। ये परिवार शायद आजादी के लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। मायावती उसे गरीबों का मसीहा बता रही हैं। मुख्तार 24 साल विधायक रहा, 1996 में पहली बार बीएसपी से जीता, 3 चुनाव जेल में रहकर जीते, खुद की पार्टी कौमी एकता दल बनाया। उस दौर में मुलायम और मायावती जिसकी सरकार होती थी, मुख्तार उसी को सपोर्ट करता था। सोचिए, अगर मोदी योगी की डबल इंजन सरकार नहीं होती तो मुख्तार जैसे माफिया कितना खतरनाक बन जाते। वोट बैंक, एक वोट की कीमत क्या होती है? एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कावड़ यात्रा भी निकाल देता है। सही दिशा में जाएगा तो कावड़ यात्रा निकलती है और गलत हाथों में जाता है तो कर्फ्यू लगा देता है। एक वोट गलत हाथों में जाता है तो अराजकता फैलाती है और अगर वही वोट सही दिशा में जाता है, सही पार्टी के पास जाता है तो आस्था का सम्मान करा देता है। राजनीतिक संरक्षण मिलने से मुख्तार खुद को कानून से ऊपर समझता था। 2022 में जब उसका बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर से चुनाव लड़ा तो उसने भी अफसरों को धमकी दी। धमकी क्या थी? अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है, 8 महीने किसी अफसर का ट्रांसफर मत करना, हम हिसाब किताब करेंगे। अब्बास चुनाव तो जीत गया लेकिन हिसाब किताब में खुद फंस गया, फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। पिता के अंतिम दर्शन की परमिशन भी हाई कोर्ट से नहीं मिल पाई है। जिस दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला, अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए। यूपी में 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की अल्पमत वाली सरकार थी। मुख्तार अंसारी निर्दलीय विधायक था और मुलायम को समर्थन देने के बदले में उसने मनमानी ताकत हासिल कर ली थी। सत्ता के नशे में चूर मुख्तार ने 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय पर अटैक करा दिया। मुख्तार के शूटरों ने AK-47 से 400 राउंड गोलियां चलाई। कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मौके पर ही मारे गए। मृतकों की डेड बॉडी से 67 गोलियां निकली। मुख्तार के सबसे खतरनाक शूटर मुन्ना बजरंगी पर मर्डर का आरोप लगा। मुख्तार उससे पहले ही 25 अक्टूबर 2005 को अपनी बेल रद्द कराकर जेल चला गया था। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय और उनके बेटे ने काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद कहा, अब उन्हें इंसाफ मिला है। बाबा विश्वनाथ को पूरा भरोसा था, आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग
हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको याद है, यह गलत बात है। ये देखिए तुष्टिकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहा है। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार। क्या मानते हैं भगवान का न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी तो आज क्यों आई है, आज क्यों आई है? आज मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन, जिसको देखने का क्या सवाल है। ये सबसे पहले तो जितने बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हो कैसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। बाबा के दरबार में आती हूँ, बाबा से न्याय का प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके ही दरबार में न्याय मिल सकता है और कहीं नहीं। मुख्तार ने कृष्णानंद राय का मर्डर सिर्फ इसलिए कराया था क्योंकि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट को अंसारी परिवार अपनी जागीर समझता है। लेकिन 2002 के चुनाव में कृष्णानंद राय ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया। चुनाव में कृष्णानंद राय की मदद बाहुबली ब्रजेश सिंह ने की थी। ब्रजेश और मुख्तार की दुश्मनी स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गई थी। समय का चक्र देखिए, मुख्तार मिट्टी में मिल चुका है, अब ब्रजेश सिंह चर्चा में हैं, वो गाजीपुर सीट से अफजाल के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे समय में पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि जब माफिया के विरुद्ध एक सघन अभियान चला था और मुझे याद है ज़्यादातर जो माफिया थे वो या तो जेल के अंदर थे, दो माफिया पे मेरी पकड़ में नहीं आए जो, और कैसे बच गए वो भी मैं बता दूं। एक तो मुख्तार अंसारी थे, वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, वो कहाँ है अता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे बाद में हमारे बाद में वो मूछ पे ताव दे के घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस, कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी, पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी मेरे कार्यकाल में।